शाजापुर थाना पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का किया खुलासा। एक युवक सहित दो महिलाओं को किया गिरफ्तार। शाजापुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप मामले का खुलासा करते हुए एक युवक सहित दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। तीनों NCR क्षेत्र में लोगों को निशाना कर हनी ट्रैप का शिकार बनाकर दुष्कर्म का भय दिखाकर लोगों से मोटी रकम लूटते थे। शाजापुर थाना प्रभारी विक्रम चौधरी ने बताया कि बीते दिनों थाने में रामशरण गुर्जर निवासी कोटपुतली ने मामला दर्ज कराया कि मेरे व्हाट्सएप पर रीना नाम की लड़की व्हाट्सएप के जरिए काफ़ी बार कॉल किया और मेरे को मिलने के लिए बहरोड बुलाया। मैं मेरे स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर बहरोड पहुंचा तो रीना ने मेरे को कहा, तेरे वीडियो बना लिया, तेरे को अब दुष्कर्म के केस में फंसाऊंगी, या मुझे 20,000 रुपये दे। मैं डर गया, मैंने 20,000 रुपये दे दिए। उसके बाद कहा मेरे को अब शाजापुर छोड़कर आ। जिसको छोड़ने गया तो शाजापुर में पहले एक कार लिए खड़े चार जनों ने मुझे ज़बरदस्ती दूसरी गाड़ी में डालकर मानेसर ले गए और कहा कि तूने रीना के साथ गलत काम किया है, 6 लाख रुपये की व्यवस्था कर, नहीं तो तेरे ऊपर तेल डालकर आग लगा देंगे। मैंने किसी तरह बहाना बनाकर बाथरूम की, तो दो जनों ने मुझे बाथरूम ले गए। मैंने बाथरूम में अंदर से बंद कर जोर जोर से आवाज़ लगाई तो लोग मुझे वहीं छोड़कर भाग गए। जिस पर टीम ने गठित कर आज हनी ट्रैप मामले में सुनीता पत्नी राजेंद्र निवासी पंजाबी कॉलोनी टपूकड़ा व रीना शर्मा निवासी कीर्ति नगर सिरसा हरियाणा व मंगत सिख निवासी बहरोज कोठी ततारपुर को गिरफ्तार किया है। तीनों ने कोटपुतली बानसूर ततारपुर कोट कासिम धारवेड़ा स्थानों पर अनेकों लोगों को हनी ट्रैप का शिकार बनाकर लाखों रुपये हड़पे थे। हनी ट्रैप वाला क्या मामला था सब? कल दिनांक 6/3/2021 को रामशरण गुर्जर निवासी बनका कोटपुतली ने रिपोर्ट दी कि सर 2-3 दिन से मेरे पास एक मोबाइल नंबर से फोन आ रहा था। उस पर मेरे को 5 तारीख को एक लड़की बहरोडपुर के नीचे मिली, जिस जो मेरे साथ एक होटल पर गए। वहाँ खाना खाने के बाद उसने कहा कि मेरे को शाहजहाँपुर छोड़ दो। मैं उसको शाहजहाँपुर छोड़ने आ रहा था कि पीछे से एक स्कॉर्पियो नंबर RJ02UA8532 आई और मेरे को शाहजहाँपुर पुर से उसमें अपहरण करके हरियाणा में ले गए और मेरे से उन लोगों ने 6 लाख रुपए मांगे तथा रात भर मेरे को इधर उधर घुमाते रहे। सुबह मैं उनसे बड़ी मुश्किल से उनके शिकंजे से निकल कर भाग गया तो अब मुकदमा दर्ज करवाने के लिए फिर यहाँ पर आया। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और दो महिलाएं एक पुरुष को गिरफ्तार कर लिए गए। महिला एक रीना है जो उसके पास होटल में साथ आई थी, उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जो सिरसा की रहने वाली है। दूसरी औरत सुनीता है जो टपुकड़ा की रहने वाली है और तीसरा है लड़का मंगत सिंह है जो बेरोज थाना ततारपुर का रहने वाला। इनके खिलाफ पहले भी कोई हनी ट्रैप के मामले हैं? इन्होंने पूछताछ में अभी 3-4 वारदातें और करना कबूल की है और अन्य साथियों के बारे में और अन्य वारदातों के बारे में अभी अनुसंधान जारी है। थैंक यू सर।